देखिए लास्टली तो हम लोगों ने पढ़ रखा है ना, डॉट प्रोडक्ट मैंने बताया था राइट, और क्रॉस प्रोडक्ट भी मैंने बता दिया है, बट मैं उसको वापस से एक बार बताता हूँ, ठीक है? आप देखना है इसको, है ना? क्रॉस प्रोडक्ट, या हम इसको ऐसा भी बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, हाँ, ऑफ टू वेक्टर्स या वेक्टर्स, है ना? देखिए अगर बात करें, हमारे पास एक वेक्टर दिया है ए, सपोज मान लेते हैं ऐसा दिया है ए, दूसरा वेक्टर कोई दे दिया है बी, है ना? कहीं और भी दिया रहेगा तो हम लोग इसके टेल को ले आके कंबाइन कर सकते हैं। तो बोलते क्या है कि ऐसे लिखे जाता है ए क्रॉस बी, ये आता है ए बी एंड व्हाट साइन थीटा, हाँ एंड एन थीटा। देखिए क्या है, पहला क्रॉस प्रोडक्ट बोलने का, ये क्रॉस लिखते हैं इसलिए क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं, या हम बोलें कि ये वेक्टर प्रोडक्ट, ये ऐसा एक ऑपरेशन है, एक ऐसा मैथमेटिकल ऑपरेशन है कि अगर हम लोग इसको करते हैं तो ये एक वेक्टर आता है, ठीक है? नाउ मैं इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर लिखूं तो ये लिखते हैं कि वेयर ए बी आर क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, समझ रहे हैं? कोई नई बात नहीं है, नॉर्मल अल्फाबेट लिखा रहता है तो ये समझते हैं, ठीक है ना? एंड थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ठीक है? ये ना देखो, सबसे जो इंपॉर्टेंट इसमें एक आया है पैरामीटर, वो है एन कैप। क्या है? देखिए नॉर्मली कैप हम लोग किसके लिए लिखते हैं, यूनिट वेक्टर, हाँ जी, कैसा है एन कैप, है तो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, हाँ जी, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी, ठीक है ना? देखिए अगर आप इसको समझेंगे ना तो ये इतना ही नहीं, क्या होता है, एन कैप इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, हाँ, कंटेनिंग वेक्टर ए एंड बी। देखिए हम बात कर रहे हैं ना कि अगर ए और बी इस बोर्ड में है, ये एक प्लेन है, ठीक है ना, बोर्ड में है, तो बोल रहा है कि ए क्रॉस बी यानी कि जो एन कैप है ना, ये इतना मैग्नीट्यूड है और वो डायरेक्शन उसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन बताता है, वो बता रहा है कि एन कैप जो है वो ए और बी के परपेंडिकुलर होता है, हाँ। नॉट इतना ही, आगे बताया गया है कि ये जिस प्लेन में ए एंड बी है वो उस पूरे प्लेन के ही परपेंडिकुलर होता है। क्या? देखिए टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ एन कैप We use, हाँ जी, क्या, राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। देखिए राइट हैंड थंब रूल क्या होता है, हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर हम लोग इसको लिख भी लेंगे। अगर बात करें हम
अगर हम बात करें कि देखिए एक वेक्टर ए है दूसरा बी है, तो पहले क्या करते हैं राइट हैंड थंब यूज करने के लिए कि राइट हैंड पाम को पहले वेक्टर मतलब ए की तरफ हाँ डायरेक्ट करिए और स्मॉलेस्ट एंगल से बी की तरफ जाइए, ये ए से बी की तरफ, ठीक है ना, जो नेचुरल कर्व है वो। तो जो आपका थंब का डायरेक्शन होता है दैट इज डायरेक्शन ऑफ क्या यूनिट वेक्टर एन का, क्या बोल रहे हैं फर्स्ट वी डायरेक्ट आवर राइट हैंड पाम इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर, यहां पर ये है, एंड कर्ल थ्रू मिनिमम एंगल टुवर्ड्स वेक्टर बी या जो भी है सेकेंड या अदर, है ना। नाउ द डायरेक्शन ऑफ थंब इंडिकेट डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एन का, समझे। हाँ जी, जो बोल रहे हैं वो ये कि पहले आप राइट हैंड पाम को ए के डायरेक्शन में रखें एंड मिनिमम एंगल से बी की तरफ जाइए और जो थंब का डायरेक्शन होगा विच इज डायरेक्शन ऑफ व्हाट यूनिट वेक्टर एन का। ना देखिए क्रॉस प्रोडक्ट बिकॉज क्रॉस लिखा है, वेक्टर इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये ऑपरेशन करने के बाद ये तो मैग्नीट्यूड है, ये भी साइन थीटा एंड एन कैप क्या है यूनिट वेक्टर, मतलब ये एक वेक्टर आता है, दैट्स व्हाई वेक्टर। उसके क्या रूल्स हैं, कैसे करा जाता है, वो ये चीजें हैं, राइट। नाउ अब देखिए अगर हम बात करें कि अगर ए क्रॉस बी ये आउटवर्ड, तो बी से ए जाएंगे तो ये इनवर्ड बता रहा है। देखिए यहीं से कुछ कुछ और प्रॉपर्टीज हैं, क्या क्या हम ऐसा बोलते हैं कि वेक्टर प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। यस, ए क्रॉस बी जो है वो आपके B क्रॉस A के बराबर नहीं होता है, ठीक है ना। अगर आप लिखना भी चाहेंगे तो हम इतना लिखते हैं, इक्वल तो होता है बट डायरेक्शन क्या होता है ऑपोजिट, है ना। हम इसको बोलते हैं कि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। ना अगर हम डिस्ट्रीब्यूटिव की बात करें, तो बिल्कुल हम ऐसा लिख सकते हैं ठीक है ना, पहले ऐड करके आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो या आप ऐसे कर दीजिए, ये भी क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, एक वेक्टर है ये भी वेक्टर है, आप देन ऐड कर दीजिए देन भी क्या वेक्टर रहेगा, है ना। ना अगर हम लोग लिखें क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स, या बेटर रहेगा हम लोग लिखते हैं इस चीज को यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्सेस, मतलब एक्स वाई जेड वाले की हम बात कर रहे हैं। हाँ जी, जैसे देखिए
अगर मैं आई क्रॉस आई लिखता हूं तो क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड वन, इसका भी वन, एंड साइन दोनों के बीच का एंगल जीरो, सीधे जीरो। ये एन कैप का तो बात भी मत करिए, ठीक है। हाँ, सिमिलरली आपका सारे अगर सेम आ गए तो जीरो। हाँ जी बिल्कुल, एंगल क्या आएगा, जीरो। इसलिए सेम अगर रहा तो क्रॉस प्रोडक्ट हमारा क्या हो जा रहा है, वैनिश हो जा रहा है, ठीक है ना। हम इस चीज को ऐसे भी बोलते हैं कि पैरेलल या एंटी पैरेलल। अगर पैरेलल या एंटी पैरेलल हुआ और एंटी पैरेलल, देन क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, विल बी जीरो। नाउ अब देखो बात आता है कि अगर हम लोग I क्रॉस J ऐसा कुछ लिखना चाहें, I क्रॉस J, तो ये कितना होगा, वन वन, I और J के बीच का एंगल 90 और n कैप। मेन बात आता है n कैप कैसे लिखेंगे, वन तो सब है, n कैप क्या लिखें। हाँ देखिए इसका भी रूल है, मैं बताता हूं। अगर हम लोग इसको, इस फिंगर को एक्स एक्सिस मानते हैं, इस वाले को वाई एक्सिस मानते हैं और इस वाले को जेड एक्सिस मानते हैं, अब ध्यान रखिएगा यही होता है हमारा रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, है ना। नाउ और इसको आप फॉलो कर सकते हो, अगर ये आपका आई कैप है, हाँ इंडेक्स फिंगर, अगर मिडल फिंगर को वाई मान रहे हैं तो एक्स क्रॉस वाई, एक्स से वाई की तरफ, ये जेड है ना, तो ये आपका आई कैप, ये जे कैप और ये क्या है, के कैप। हाँ अब देखिए क्या बोल रहा है, आई से जे, तो आई से जे जाएंगे तो के आ रहा है, बिल्कुल, और ये होगा भी यही। नाउ सिमिलरली अगर मैं बोलूं कि जे क्रॉस के कितना होगा, तो ऑफ कोर्स इसका भी मैग्नीट्यूड वन, वन एंड साइन 90, ये भी वन होता है, एन कैप मेनली बता दीजिए, ठीक है ना। तो देखो पहले जे ध्यान रखना है, जे इधर है, हाँ ये और के ऊपर है, तो जे से के की तरफ, जे से के की तरफ भूलिएगा नहीं, ये आ रहा है इधर, ये मतलब कि आई कैप है, है ना। तो वन और ये आ गया आपका आई कैप, ऑफ कोर्स ये आई कैप है। देखो मैं बताऊंगा ना कि आप इसको नहीं होता है कि ये नहीं भी याद रहा ऐसे ना, ठीक है ना, आई जे के, तो आप चुपचाप ये काम कर लेना, क्या एक सर्कल ड्रॉ करिए, उसमें आप एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में आई जे के लिख लीजिए, समझे। अगर प्रोडक्ट एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव में आएगा, जैसे आई और जे, आई और जे अगला के आ जाएगा पॉजिटिव, है ना। अगर जे और के है, जे और के अगला ये आ जाएगा। अगर हम बात करें ना कि अगर आप आई क्रॉस के लिखोगे, हाँ जी, तो आई क्रॉस के ये एंटी क्लॉक, सॉरी क्लॉकवाइज आ रहा है ना, ये माइनस जाएगा, ठीक है, ये एक शॉर्टकट है, समझे। अगर क्लॉकवाइज में जा रहे हैं जे क्रॉस के क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव साइन के साथ अगला वाला, और अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो नेगेटिव क्लॉक साइन के साथ, ठीक है ना। देन नेगेटिव, है ना, तो ये आप याद रख सकते हो, इसके हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। नाउ ओके, देखिए एक करके देखते हैं,
फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एंड बी समझे ना सॉल्यूशन लिखते हैं बहुत सिंपल है लिख देंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्या मैं बोल रहा हूं हमें बताना है ए क्रॉस बी मैं बोलूंगा ना वेक्टरली चलते जाइए आपको कोई परेशानी ही नहीं होगा आई प्लस जे का हमें क्रॉस प्रोडक्ट बताना है इनके साथ आई प्लस थ्री जे प्लस के ना एक एक करके लिखते हैं टू आई का पहले सभी के साथ लिख दीजिए टू आई का पूरे के साथ आई प्लस थ्री जे प्लस के का प्लस जे का पूरे के साथ आई प्लस थ्री जे प्लस के का राइट ना आई आई ये टू तो मैग्नीट्यूड है आई क्रॉस आई तो जीरो हो गया हाँ जी टू और थ्री टू इन टू थ्री ये तो है आई और जे कितना होगा आई और जे चलिए एक बार मैं लिख दे रहा हूं फिर आप यहां से कर लेना नाउ टू टू तो रह गया आई और के है टू तो रह गया आई क्रॉस के है इसका वाला देखिए प्लस है ना प्लस में ये जे क्रॉस आई है जे क्रॉस थ्री जे तो अल्टीमेटली थ्री तो मैग्नीट्यूड है और जे क्रॉस जे सेम वाला तो वैसे भी जीरो होना है जे क्रॉस के हाँ जी ना एक एक करके इससे भी देख सकते हैं आई क्रॉस आई तो जीरो हो गया प्लस सिक्स आई क्रॉस जे आई जे के हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज है ना ये कितना आ जाएगा आई और के आई के हाँ जी क्लॉकवाइज तो माइनस में आएगा मतलब टू तो है लेकिन ये माइनस जे आएगा इसका लिखिए जे क्रॉस आई अगेन ये आपका क्लॉकवाइज जा रहा है माइनस में के होगा हाँ जी प्लस थ्री जे क्रॉस जे तो जीरो हो गया प्लस जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज है तो आई आ जाएगा कितना आ गया हमारा आई वाला पहले लिखते हैं आई क्रॉस लिख लो माइनस टू जे आ रहा है माइनस टू जे लिख लिया के में प्लस सिक्स और माइनस के प्लस फाइव के आ रहा है This is our answer. Yes. Now, I hope कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है आप इसको छोटा सा बना लेना कॉपी के साइड में इधर इधर कहीं भी और आप उसको कर सकते हैं ओके ठीक है ना देखिए इसका एक और तरीका होता है इसमें भी ये सब भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इससे भी ज्यादा फास्ट है समझ रहे हैं थोड़ा सा उसका एक मैथमेटिक्स हमें देखना पड़ेगा मैं बताता हूं देखो हम लोग उसको बोलते हैं डिटरमिनेंट है ना बताता हूं इससे भी वो सिंपल है फास्ट है। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे पास ए है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप सिमिलरली आपके पास बी है इसका भी एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट राइट नाउ देन कैसे करते हैं डिटरमिनेंट मेथड क्या बताता है हम लिखते ही हैं देखिए ऐसे ये वर्टिकल दो लाइनें लिखिए हाँ ए क्रॉस बी कितना आता है देखो
अपना आई जे के ये और जो पहले है उसका कोएफिशिएंट पहले लिखेंगे, मतलब ए एक्स ए वाई एंड ए जेड। हाँ, सिमिलरली सेकंड वाले का दूसरे बी एक्स बी वाई एंड बी जेड, राइट। हाँ ना, एक ही बार में इसी चीज को हम लोग डिटरमिनेंट बोलते हैं। देखिए डिटरमिनेंट का ऑर्डर होता है 2x2 का। देखो अगर इतना ही रहता है ना, दो और दो तो ये 2x2 है, ये 3x3 है, 4x4 ऐसे आता है। खैर अभी हम नहीं, मैं इसको कैसे सॉल्व करता हूं या करना होता है ये समझते हैं। देखिए क्या करते हैं ना, आप आई का कोएफिशिएंट एक बार में ही लिख सकते हैं। कैसे, जिस रो और जिस कॉलम में आई है आप उसको भूल जाइए, मैं ये और ये भूल जाओ, ठीक है। हाँ तो आपको ये वाला बचा हुआ है, समझ रहे हैं, और इसको हम लोग पहले इस तरीके से डायगोनली मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है ना, ये एंड देन हम डायगोनली इसको माइनस करते हैं, ये समझे क्या मैं बोल रहा हूं। आई का तो ये और ये तो छुपा दिया, ए वाई बी जेड, ए वाई बी जेड माइनस में ये ए जेड डी वाई, एक प्लस दूसरा माइनस, ऐसे ही चलता है, ये माइनस ये कैप आएगा। फिर से आप इसको भूल जाओ, ये भूल जाइए और ये भी भूल जाइए, तो आपको बचा कितना एक्स और जेड वाला। हाँ फिर से ऐसे ही लेफ्ट साइड से, मतलब ए एक्स बी जेड है ना, ये प्लस के साथ, फिर ये माइनस के साथ, के वाला फिर प्लस के साथ आएगा, फिर ये भूल जाइए, ये भूल जाइए, ये बचा है ए जेड बी एक्स, के वाला कोएफिशिएंट फिर प्लस के साथ, ये भूल जाइए, ये भूल जाइए, ए एक्स बी वाई माइनस में ए वाई बी एक्स, एक बार में हो गया, डायरेक्टली लिख सकते हैं, राइट ना। मैं बोलूंगा कि इसको एक बार करके वेरीफाई करके चेक कर लीजिए। हाँ जी लिखें, देखिए मैं इस चीज को लिखता हूं, इसका जो मैट्रिक्स बनेगा ए क्रॉस बी, तो हम लिखते हैं आई जे के 210 है, टू है, वन है, के है ही नहीं, 131 131। हाँ जी अब आप एक बार में लिखने की कोशिश करिए, आई होप कि आंसर ही आ जाएगा। क्या मैं बोलना चाह रहा हूं, लिखिए, देखो आई का कोएफिशिएंट, तो आई इसको ढक देंगे तो ये बचेगा और ये बचेगा, मतलब 1 into 1 - 3, एंड दिस इंप्लाइज कि आई का 1 into 1 - 3 into 0। हाँ जी जे का ये गायब, तो 2 into 1 - 1 into 0, 2 into 1 - 1 into 0। हाँ के का ये गायब, 6 और 1। आई होप एक ही बार में आ गया 1 into 1। हाँ जी बिल्कुल, आई माइनस 2j और प्लस 5, राइट। सो ये मैट्रिक्स वाला हमारा फास्ट होता है, या हम बोले कि कोई भी नहीं होता, फिंगर एक्स वाई के इधर है, हालांकि ये बेसिक है ना, हमेशा ये काम होता है और यही हमारा बोला जाता है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम ना। देखो जो बेसिक है रिलेटेड टू आपका क्रॉस प्रोडक्ट, वो तो हमारा यही है,